उधर दिल्ली विधानसभा उप विधायक दिलीप पांडे ने भी बीजेपी पर बड़ा आरोप लगाया। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी दिल्ली के 53 मंदिरों को तोड़ने का प्लान बना रही है। उन्होंने कहा कि बीजेपी के फर्जी हिंदुत्व और देशभक्ति को आम आदमी पार्टी ने एक्सपोज किया है। केंद्र की सरकार ने दिल्ली सरकार को चिट्ठी भेजकर, मेरे हाथ में वो चिट्ठी अध्यक्ष महोदय, दिल्ली के 53 मंदिरों को तोड़ने की अनुमति चाहिए। आप देखिए, सत्ता का नशा जब सर चढ़कर बोलता है तो आवाजें कैसी निकलती हैं कि केंद्र की सरकार भगवान श्री राम के, भगवान श्री कृष्ण के, हनुमान जी के, शंकर भगवान के, दुर्गा माता के, साईं बाबा के, एक दो नहीं बल्कि कुल 53 मंदिर तोड़ने के लिए चिट्ठी लिखी है। इस देश में जो एकता और अखंडता की बात कही जाती है, जो गंगा जमुनी तहजीब की बात कही जाती है, जो सबको साथ लेकर चलने की बात कही जाती है, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को उससे नफरत क्यों है? वो क्यों देश के सामाजिक सद्भाव के वातावरण को बिगाड़ने में लगे हुए? उनकी पार्टी के पदाधिकारी क्यों कानून हाथ में लेकर देश का सांप्रदायिक सौहार्द खत्म करने पे लगे हुए? खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।